तीन से चार महीने पहले से जुड़े हैं। अब वो धीरे धीरे जुड़ते गए, एक जोड़ा, दूसरे जोड़ा, तीसरा जोड़ा, चौथे जोड़े, चौथे या पांचवे जोड़ने के बाद फिर गांव में पता चला, फिर एक को ले गए उनने कि भैया धर्म अपना लो। तो ये धर्म अपना लो करके तो उसने बताया जानकारी, तो अब सामाजिक स्तर से उसकी बैठक ली अपन ने गाँव में। जो हर बुधवार आते थे उनकी आरती होती थी, गाना बजाना होता था और वो निकल जाते थे तुरंत यहाँ से। जो ईसाई धर्म के प्रचार वाले हैं उनको क्या पादरी क्या बोलते हैं, वो आते थे एक घर पे, और भी दूसरे परिवार के लोग आते थे, वहाँ पे प्रार्थना वगैरह करते थे वे लोग। प्रार्थना करने के बाद चले जाते थे। फिर हमको ऐसा लगा कि यार ये गलत है, हमारा जो गांव है आदिवासी बस्ती है और ये लोग जो गाँव की मतलब गाँव के सिस्टम कस्टम को मान नहीं रहे और अपना जो संस्कृति रीति रिवाज को मान नहीं रहे। तो हमने बोले कि भैया आपको वहाँ रहना है, आपको संवैधानिक अधिकार है, आप किसी भी धर्म को मान सकते हो, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। तो फिर उनको बोलने लगे, उसके बाद गांव में पारंपरिक ग्राम सभा का गठन किए, उनको गांव स्तर से समझाने की कोशिश कर रहे थे, अगर आप उसमें रहना चाहते हो तो रहिए, यदि आपको जानकारी के अभाव में, जानकारी नहीं रही होगी आपको, अगर धर्म स्थानांतरण कोई करवा रहा है तो उसके लिए हम सलाह देने को तैयार है, मतलब शिक्षित व्यक्ति होने के नाते। तो वे लोग मानने को तैयार नहीं। फिर उसी बीच पारंपरिक ग्राम सभा में एक भाई आया उन्हीं के बीच में से, तो उनने पारंपरिक ग्राम सभा को मतलब बोले तो आपत्तिजनक शब्द का प्रयोग किए, तो उस किसी ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया, उसी में बहुत भीड़ थी, पुलिस आ गई। वहाँ पर जानकारी मौके पर ये लगी कि कुछ लोग हैं गांव में जो प्रार्थना वगैरह करते हैं, जिनका मानना था कि प्रार्थना करने से हमारे पेट में दर्द है या छोटी मोटी जो बीमारियाँ हैं दूर होती है। तो इसी संबंध में उनका समझाइश के संबंध में ही ग्रामवासियों द्वारा ग्राम सभा का आयोजन किया गया था। तो एक व्यक्ति थोड़ा कुछ नशे में भी था, जो गाली गुफ्तार इसके द्वारा की जा रही थी, इसके विरुद्ध कार्रवाई की गई।